तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई लोग आज हम गेमिंग कंपैरिजन करने वाले हैं वन प्लस 8T वर्सेस मी 10T प्रो। फिलहाल बूट कैंप में हम लोग उतरने वाले हैं भाई, बहुत बंदे उतरे हैं आप देख ही सकते हो। तो भाई इधर तक तो पूरा मतलब ठीक ठाक ही था अभी तक, तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। उससे पहले भाई बोल दो, इसका जो ग्राफिक सेटिंग है वो 90 FPS तक दे देती है, तो भाई इसका डिस्प्ले भी पूरा मक्खम है। तो भाई आप फिलहाल देख ही सकते हैं मतलब कितने स्मूथ काम कर रहा है, तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये फ़ोन लो या वन प्लस 8T लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो भाई अगर आपको गेमिंग के लिए कोई ईयरफोन ख़रीदना है तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो 865। तो भाई इसका जितना मैं तारीफ करूँ उतना कम है, तो आपको इस प्रोसेसर में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जितना भी हॉट डॉग करो जो भी करो, आपको कोई लैगिंग का फेस करना ही नहीं पड़ेगा। और तो भाई अगर आप बहुत गेम खेल लोगे मतलब 3-4 घंटे से ज़्यादा, तो आपका ये फ़ोन हीट करेगा, तब भी आपका स्किन में टच कोई इशू नहीं होगा। तो भाई ये मोबाइल का जो मुझे बेस्ट चीज़ लगा वो है भाई इसका डिस्प्ले, मतलब हीटिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिस्प्ले भी कोई लैग नहीं करता। तो भाई इस फ़ोन का आपको क्या अच्छा लगता है भाई मुझे नीचे कमेंट में बताओ। तो भाई फिलहाल तो मैं यहाँ मर जाऊँगा। अगर आपका भाई 40,000 बजट है तो आप ये फ़ोन ले सकते हो आग बन करके। वन प्लस 8T, तो भाई इसमें भी आप 90 FPS में पबजी आराम से खेल सकते हो। तो भाई फ़िलहाल अगर इससे कंपेयर करें मी 10T प्रो से, तो भाई ये मतलब थोड़ा प्राइस में ज़्यादा भी है, 3,000 रुपये अब इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो भाई 40,000 में तो मी 10T प्रो मिल जा रहा, तो ये हम क्यों ले। इसका डिस्प्ले से भी अच्छा मी 10 का डिस्प्ले है, मी 10T का, तो अब वो ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी हॉट टॉप करने वाला हूँ, आप देख ही सकते हैं बहुत बंदा उतरा है। तो भाई अगर आप मेरी मानो तो मैं बोलूँगा भाई वन प्लस 8T से भाई मी 10T बढ़िया है, क्योंकि उसका मतलब 3,000 रुपया कम भी है। तो भाई इसमें डिस्प्ले मतलब हीट होता है, अगर आप ज़्यादा बहुत गेम खेल लोगे तो मतलब हॉट डॉग करते ही रहोगे, तो मतलब आपको डिस्प्ले में हीटिंग इशू दिखाई जाएगा, पर ये इशू मुझे मी 10T में नहीं दिखाई गया। वन प्लस 8T को भाई अगर आप मी 10T प्रो से अगर कंपेयर करें, तो आपको सिर्फ 65 वाट का चार्जर इसमें अच्छा देखने मिलता है, बाकी सब सेम सेम ही है। तो वन प्लस 8T का मतलब 3,000 ज़्यादा भी प्राइस है मी 10T से। इसका 43,000 से स्टार्ट होता है और मी 10T का 40,000 से। तो इसका डिस्प्ले भी अच्छा है मी 10T का, मतलब वन प्लस 8T का साथ अगर आप कंपेयर करें तो। तो भाई अगर आप मी 10T प्रो लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वन प्लस 8T को आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि देखो वन प्लस 8T और मी 10 में सब सेम सेम ही चीज़ आप बोल सकते हो है। तो सिर्फ वन प्लस 8T में चार्जर आपको फास्ट देखने मिल जाता है, और मी 10T में आपको मतलब स्किन अच्छा देखने को मिल जाता है।